नमस्कार दोस्तों, ZRZ YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे तरह तरह की दवाओं के बारे में, तरह तरह के तरीकों के बारे में आपने जानकारी ली, आज मैंने अपना मन बनाया है कि आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ जो कि आने वाले कम से कम छः महीने तक जिससे हम लोग पीड़ित रहते हैं उनसे बचा जाए। कैसे बचा जाए? आप लोग सोच रहे हो यार क्या बता रहे हो, किस चीज़ से 6 महीने तक पीड़ित रहते हैं? मैं तो समझता हूँ 6 महीने नहीं बल्कि 12 महीनों से पीड़ित रहते हैं। तो 12 महीने किस चीज़ से पीड़ित रहते हैं वो कोई शेर नहीं है। अगर आप शेर भी होता तो आप उसको गन लेकर मुकाबला उसका कर सकते थे। दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसका मुकाबला करने के लिए हमें किसी गन बंदूक की ज़रूरत नहीं, केवल अपने दिमाग की ज़रूरत है। और मैं जिस कीड़े के बारे में बताना जा रहा हूँ वो कीड़ा देखने में तो एक साधारण सा है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है। दोस्तों, वो कीड़ा है मच्छर। इसके काटने से साल में हजारों लोग काल के गाल में समा जाते हैं और लाखों रुपया खर्च करने के बाद ही शायद उनकी जान बचाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो मच्छरों को भगाने का दावा करती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके दावे झूठे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आप की सेवा कर सकते हैं, पूरी रात नहीं। आप सो गए तो तुरंत मच्छर तैयार, और मच्छर अपने साथियों से क्या कहते हैं, आओ खाना तैयार है, यानी कि आपको मच्छर अपना भोजन बना लेते हैं, खाने लगते हैं। तो दोस्तों, मच्छरों का खाना हम ना बने इसलिए हम आपको एक ऐसे नुस्खे से रूबरू कराना चाहते हैं जिससे आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा ZRZ YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए, अब हम आपको मच्छर का एक घरेलू उपचार बताते हैं, घरेलू नुस्खा बताते हैं। देखिए, इसके लिए आपको लेना पड़ेंगी 3 कपूर की टिकियां। 3 कपूर वही जो पूजा में काम आता है। कपूर इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि कपूर की गंध से मच्छर जो होता है वो बेहोश हो जाता है। आपने 3 कपूर की टिकियों को लेकर उसका चूर्ण बना लेना है, और उसके बाद आपको लेना है कम से कम 3 तोला चमेली का तेल। चमेली के तेल से मच्छर, चमेली के तेल की तरफ मच्छर अट्रैक्टिव होता है, और जैसे ही वो कपूर की संपर्क में आता है तो वो मच्छर उसे बेहोश हो जाता है। और आपको लेना है 3 चम्मच नीम का तेल। इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लीजिए और रात को सोते वक्त अपने शरीर में लगा लीजिए। ये तो हो गया नुस्खा। और अगर आप इसमें और भी बेहतर इसको करना चाहते हैं तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिला हुआ आपको करीब 50 ग्राम सरसों का तेल लें और इसको 1 चम्मच उसमें ये मिला दें, ये आपने जो बनाया है कपूर और तुम्हारा नीम का तेल, चमेली का तेल, और रात में इसको आप जला दें तो इसकी गंध से भी मच्छर भाग जाता है। और ये तो दोस्तों वक्ती फायदा है। अब हम आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो आपके अभी तक दिलो दिमाग में आई नहीं होगी, लेकिन जब हम बताएंगे तो आप ये कहोगे ये तो मुझे पहले से मालूम थी, ये क्या बताया आपने। दोस्तों, इन सारी चीजों से वक्ती फायदे होते हैं, इसलिए लास्ट में एक ही फायदा है, एक ही कारगर चीज है जो आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको पूरे 12 घंटे मच्छर आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अब आप पूछेंगे भाई वो कौन सी चीज है, तो वो चीज आपको मैं बता रहा हूं
मुझे मालूम है आप बिना हंसे रहेंगे नहीं, हंसेंगे जरूर, खैर हंसने दीजिए, अच्छा है। अगर आप को हमेशा हमेशा के लिए मच्छर से छुटकारा और मच्छर के दंश से, मच्छर के अटैक से, मच्छर के आक्रमण से, मच्छर के हमले से बचना है, तो ये सारी दवाइयाँ उसके लिए बेकार हैं। आप सिर्फ बाजार जाइए और वहाँ से अपने घर के लिए आप एक एक मच्छरदानी खरीद लाइए और आराम से की नींद सोइए। सबसे सुपर नुस्खा, ये केमिकल वाली चीज़ों के चक्कर मत पड़िए, से एलर्जी वगैरह सब कुछ होता है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा नुस्खा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।